अगर बात कंपटीशन की किया जाए खेसारी वर्सेस पवन, तो लगभग खेसारी लाल यादव हमेशा आगे होते हैं। दोनों भाई साहब का गाना आया था 9-10 दिन पहले, एक का नाम था नथुनिया, दूसरे का नाम था साटा का पैसा। अब दोनों गाने का अगर कंपटीशन देखा जाए, दोनों गाने का व्यूज देखा जाए, दोनों गाने का लाइक्स देखा जाए, तो जमीन आसमान का फर्क है। अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव का गाना जिसका नाम था नथुनिया। भैया नथुनिया पे अभी जो व्यूज है, आप लोग देख के चौंक जाएंगे कि भोजपुरी गाने पे इतना व्यूज आ जाते हैं इतने दिन के अंदर। और दूसरी बात, नथुनिया गाना बहुत से जगह पे बज रहा है। मैं सानी में गया था, वहां पे भी नथुनिया गाना लगभग 2-3 बार बजा। मेरे फेसबुक TK7 भोजपुरी पे जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने वीडियो पोस्ट किया है कि भैया गाना जो है शादी में बज रहे हैं। किसी शादी में गया था जहां पे भैया इंटरनेट नहीं है, वहां पे ये गाना बज रहे हैं। और दूसरे ठाव पे साटा का पैसा हमारा गाना आया है, वो गाना लगभग मैंने ना के बराबर सुना है। लगभग 10-20 शादी में मैं जा चुका हूँ, वहाँ पे साटा का पैसा लगभग नहीं बजा है। मैं श्योर के साथ बोल सकता हूँ कि पवन सिंह के गाने शादी में बहुत कम ही बजते हैं, क्योंकि पवन सिंह के गाने ऐसे शादी में बजाने लायक कोई लगभग गाना आता ही नहीं है। कहीं महीने पे एक गाना आता है, तो इसीलिए शायद पवन सिंह का गाना कहीं शादी में बजता नहीं है। तो बात करते हैं मुद्दे की, अगर अभी साटा का पैसा का व्यूज देखा जाए 9-10 दिन के अंदर, तो उस पर व्यूज है 7.2 मिलियंस, ठीक है, 7.2 मिलियन व्यूज है, और लाइक है 259K लाइक्स है उस पर देखा जाए अभी। तो भैया ये जो व्यूज है साटा का पैसा कम है थोड़ा सा, फिर भी जो अभी व्यूज के हिसाब से देखा जाए, कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए, तो और सिंगरों के हिसाब से तो ठीक ही ठीक है, लेकिन खेसारी की अगर मुकाबला किया जाए तो उनका व्यूज तो है दुगुना, मतलब कम ही होता है। तो अभी बात कर लेते हैं हमारे खेसारी लाल यादव का नथुनिया सॉन्ग का व्यूज और लाइक। तो भैया अगर उस व्यूज पे, अगर उस गाने पे व्यूज देखा जाए, तो भैया 16,000 व्यूज है, मतलब 16,000 बोल रहा हूँ यार, 16 मिलियन व्यूज है उस पे, आप जाके देख सकते हो, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और उस पे लाइक्स है लगभग 4,57,000 उस पे लाइक्स हैं, आप देख सकते हो उस गाने पे। लेकिन सबसे मुद्दा वाली बात यह है कि सारे गामा हम भोजपुरी के सारे भाई का गाना आया था नथुनिया, तो नथुनिया का लगभग 4-5 मिलियन हो जाने के बाद उस पे जो है सारे गामा हम भोजपुरी वालों ने क्या किया है कि उनके चैनल पे जितने भी गाने हैं सब गाने पे उन्हें ऐड लगा दिया है, सब गाने पे। खेसारी लाल यादव इस गाने पे ऐड नहीं लगाए हैं, वो कि सारे गामा हम भोजपुरी कंपनी वालों ने सारे गाने पे, किसी का स्टार का भी गाना हो, प्रमोद प्रेमी का हो, खेसारी लाल यादव का हो, दूसरे स्टार का हो, छोटे से बड़े से स्टार तक सब पे ऐड चल, सब पे ऐड लगाए हैं। इसीलिए खेसारी लाल का यादव का गाना भी ऐड चला, जहां तक कि पानी पानी गाना पे भी ऐड लगा दिए हैं, तो इस वजह से भी व्यूज जा सकता है। लेकिन खेसारी भाई के गाने पे अगर ऐड ना लगाया भी जाए तो गाना भाई सुपर हिट ही होता है और व्यूज के मामले में आगे ही होता है। यहाँ पे भैया दोनों गाने में आप लोग कंपटीशन देख ही सकते हो कितना फर्क है खेसारी भाई के गाने में और पवन सिंह के गाने में। बाकी मान लो ठीक है व्यूज नहीं आया, लेकिन खेसारी भाई के गाने जो है अभी शादी के माहौल में कजरा गाना हो गया, कोको कोला सॉन्ग हो गया, उसके बाद में नथुनिया सॉन्ग हो गया, और करंट कमरिया भी सॉन्ग अभी हर एक जगह पे बज रहा है। तो बहुत से ऐसे गाने जो है खेसारी भाई यादव के, खेसारी भाई के हर एक शादी में बज रहे हैं और मजा भी आ रहा है उनका गाना सुनने के बाद। अगर गाना भोजपुरी गाना कहीं लग गया तो उसका जो ट्यूनिंग होता है अलग ही मजा दे देता है यार, कि हाँ यार भोजपुरी गाना जो है शादी में बज रहे हैं, हमारे भोजपुरी के लिए गर्व की बात है। यही था दोनों गाने की कंपटीशन। बाकी आपका क्या मानना है, कौन सा गाना कहाँ बज रहा है, कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक मार दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसा वीडियो हमेशा आप सबको देखने को मिले। बाकी वीडियो को शेयर करना ना भूलें।